उत्तर प्रदेश के बलिया से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सपा के लोग सोशल मीडिया पर धमकी और गाली दे रहे हैं, वो कुछ भी अप्रिय कर सकते हैं। ओपी राजभर ने ये भी कहा कि सपा की सरकार को गुंडों की सरकार कहा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मायावती जी को सपा के गुंडों ने गेस्ट हाउस में खत्म करने की कोशिश की थी। ओपी राजभर ने आगे कहा कि रामाचल राजभर से सपा के गुंडों ने खुलेआम मारपीट की थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग संविधान को ना मानने वाले लोग हैं और भीमराव अंबेडकर के विचारों को ना मानने वाले हैं। ओपी राजभर ने आगे कहा कि वो गले में माला और विचारों में ताला मानने वाले लोग हैं। ओपी राजभर ने ये भी कहा कि स्वामी प्रसाद सपा को रसातल में पहुंचाएंगे, उन्हें सपा को रसातल में पहुंचाने के लिए ही भेजा गया है। ये फिजूल की अफवाह है, ये अफवाह फैलाई जा रही है और ऐसा कुछ नहीं। हम जहां हैं वहां जहाँ रहते हैं वहीं ईमानदारी से रहते हैं। जब तक जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम लोग डटे रहते हैं। आप जब से एनडीए में शामिल के आदेश को तो बुरा तो लग रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरह धमकी दी जा रही है, गाली दी जा रही है, इस तरह की बातें आ रही हैं, तो एक तो अंदेशा है कि ये लोग, क्योंकि जब सपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो सपा की गवर्नमेंट को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। तो भाई 2 जून की घटना याद है, मायावती जी के साथ सपाई गुंडों ने जो हरकत किया गेस्ट हाउस कांड में, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपने दल बल के साथ नहीं पहुंचे होते तो मायावती जी को तो खत्म करने वाले थे सपाई गुंडे। उसी में बेचारे रामाचल राजभर को मारते पीटते लतियाते घेराते ले गए टान के, वही ना गुंडे हैं सपाई भाई। उनसे तो कहीं ना कहीं इनसे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ इस तरीके की घटना का, कहीं भी कोई अपनी घटना कर सकते हैं। ये बहुत शातिर लोग हैं भैया, जब पूरे देश की प्रदेश की सरकार को जो है उस लाइन में खड़ा कर दिए तो और क्या बात है। अभी देखा गया कि हिंदू धर्म सनातन धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एक तरह से कहे जा रहे हैं अब, और सनातन धर्म को लेकर तमाम तरह की बातें। अब हाल ही में उनका एक बयान आया है कि हिंदू धर्म में ये पारसी है और हिंदू धर्म चोर है, इसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकर नाम नसीबों का चूसा खून गरीबों का गाना बजता है, उसी तर्ज पर गले में माला विचारों पे ताला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो माला पहनाते हैं, चाहे अखिलेश जी हों चाहे जो बयान देने वाले लोग, लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते। ये चुन के जाते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं लेकिन संविधान को नहीं मानते। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग धर्म के जो हैं सबको अपने अपने ढंग से पूजा पाठ करने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी। ये जो कह रहे हैं उनको भेजा गया है समाजवादी पार्टी ने, जब तक रसातल में समाजवादी पार्टी को न पहुंचा दे भैया तब तक तुम उधर से आना मत। कौन भेजा? अरे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भेजा गया है, नहीं देख रहे हैं जब पहले बयान पर गुलबंदी भेजा है, अब बाद में बताया कि कुल जो नहीं। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।